कार्यक्रम के रूप में है भाग्य हमारा भाइयों से है हमारे कार्यक्रम में स्वागत। वहीं हमारे बीच में हमारे बीआरसी देखिए जो प्रशंसा पत्र हैं उनके में ना ही बहुत है कि हमारे ये हम सभी लोगों के लिए बड़े शौक। समय ना लेते हुए मैं सीधा अतिथि गणों का स्मृति चिन्ह वेंचर चौहान साहब से निवेदन है कि वो मंच पर आकर के समिति की अपेक्षा नहीं थी कि दबो में इतने होशियार बच्चे भी हैं। आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर से सुनना चाहूंगा और मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि वो अभी जो बच्ची यहाँ बोल रही थी वो किस स्कूल से थी, इसी को जानिए। आने वाला समय उनका है, आप सबके पास है, आप लोगों को पढ़ना है पूरी ताकत से। जो समाज के और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों से जितनी व्यवस्थाएं सुविधाएं फैसिलिटी जो कुछ भी हमसे बनेगा वो हम करेंगे, करने के लिए तैयार हैं। आप लोग बस पढ़िए और मेहनत करिए। किसी ने कहा है मुझे ध्यान तो नहीं, किसने कहा नाम ध्यान नहीं है, कि पढ़ने से एक व्यक्ति लड़के के पढ़ने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब कोई लड़की पढ़ती है तो पूरा देश शिक्षित होता है। जैसा हमारे जीवनी जी बता रहे, लाहार विधानसभा क्षेत्र से इतने बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जो बच्चे कुछ कम परसेंटेज से हैं जिनको यहाँ मंच पर सम्मान के लिए नहीं बुलाया गया, उन लोगों को भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ में पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, हम हर बच्चे से ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि सारे बच्चे 90% लेकर ही आएंगे। इसलिए जो पीछे रह जाते हैं लाइन में, जब लाइन लगती है तो कोई आगे और कोई पीछे तो होगा, जो पीछे रह जाते हैं लाइन में उनको निराश नहीं होना है। आजकल इस तरीके की खबरें बहुत सुनने को मिलती हैं, कम नंबर आने पर दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। फिर भी मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मुझे पता नहीं था, अभी इन्होंने बताया कि कार्यक्रम 1 बजे ही शुरू कर दिया। मैंने 3:30 बजे का टाइम दिया था तो मैं 3:30 बजे लघु में आ गया था, मुझे तो 10 मिनट रुकना पड़ा कार्यालय पर, कुछ लोग मिल गए इसलिए रुक गए। मुझे मालूम नहीं आप लोग 1 बजे से बैठे, मुझे पता होता तो और जल्दी आ जाते। खैर मैं और आप सबको और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जो मुझे इतना सम्मान दिया यहाँ पर बुलाकर।
और मुझे इतने प्रतिभाशाली बच्चों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं चाहूँगा कि आगे फिर कभी ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिसमें जो चीज़ें यहाँ छूट गई हैं उनको हम कंटिन्यू कर पाएँ। मैं उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जो अपनी मेहनत से इस तरीके की प्रतिभाओं को तैयार कर रहे हैं। छात्रों को और शिक्षकों को मेरा और हमारे समाज का सैल्यूट। इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।